बहुत इजीली स्प्रेड आउट हो जाता है. नेक्स्ट आई एम गोना यूज अ कंसीलर. अनदर न्यू प्रोडक्ट व्हिच आई वांटेड टू गिव अ ट्राई. एक्सट्रीम मेटालिक नहीं है, दरअसल इसकी पैकेजिंग पे तो मैं फिदाई होगी. Welcome to my channel. I'm Dr. Ritika Rawat, and if you are new here, let me tell you, I do fashion, beauty, and lifestyle content. So you're gonna see a mix of and a lot of variety of content on my page. If you haven't subscribed my channel, then definitely subscribe it and like the video. So today's video is on a martini makeup look. एक काफी trending चल रहा है आजकल और बहुत प्यारा सा green color में look आता है बनकर के and very you know बहुत glams है and बहुत fierce सा देखने में difficult लगता है but it is absolutely very easy. And new products भी मैंने purchase किए, I'm gonna review them also throughout the video. So do watch it till the end. The product that I have purchased is this Makeup Revolution का IRL filter. वैसे Makeup Revolution के products मुझे generally अच्छे ही लगते हैं. So I really wanted to try this foundation. काफी सुंदर सी packaging, काफी अच्छी है इस bottle की. And 16 hour wear लिखा हुआ है. I have already tried this product थोड़ा सा while I was shooting. So मेरे को इसका texture काफी अच्छा लगा. It is quite easy to apply. बहुत ही smooth सा finish देता है. बहुत ही you know watery सी consistency है इसकी. तो बहुत ज़्यादा you know thick सा नहीं है. It is great for somebody with combination skin and also dry skin. People can try it. ये बिल्कुल भी drying नहीं है. काफी अच्छा लगता है, स्मूथ लगता है स्किन पे. एंड मेरे पास जो शेड है वो F8.2 है. सो दिस आई एम गोना अप्लाई एज अ बेस. बहुत इजीली स्प्रेड आउट हो जाता है. आई डू इट ऑन हाफ द फेस. पहले आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है. आई एम गोना डू माय फुल फेस. सो अगर आप बिगनर हो, फाउंडेशन यूज कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आप ब्रश यूज करो, आप हाथ से भी लगा सकते हो. मेक श्योर आप अपने नेक को भी सेम कलर से जरूर पेंट करो, अदरवाइज बहुत ऑड लगेगा. सो ये मेरा हाफ फेस और मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगी. सो आई लाइक द फिनिश और ये काफी यू नो फुल कवरेज फाउंडेशन है ये. मैं ज्यादा रेगुलर यूज में मीडियम कवरेज यूज करती हूँ, बट अभी बिकॉज मुझे मैं चाहती हूँ यू नो टू गिव अ पावर लुक एंड आई हैव टू डू द मार्टिनी मेकअप लुक, और जो ज्यादातर मैं इवनिंग में कैरी करूंगी, इस वजह से मैंने फुल कवरेज फाउंडेशन लगाया. तो काफी कवर कर दिया इसने मेरे ज्यादा जो रेड स्पॉट्स वगैरह थे, सारे के सारे एक इसी फाउंडेशन से गायब हो गए हैं. सो आई कैन नॉट सी एनी रेडनेस ऑन माई फेस. नेक्स्ट आई एम गोना यूज अ कंसीलर. कंसीलर स्पेशली अपने आईलिड्स के ऊपर वाले एरिया में अगर आप चाहते हो आपका मेकअप पॉप आउट हो, तो मेक श्योर कि आप कंसीलर लगाओ और उसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट करो. स्पेशली अगर आप यू नो कुछ प्रोफेशनल टाइप का लुक चाहते हो और बहुत पॉप आउट और बहुत डार्क लुक चाहते हो, आप चाहते हो आपके पिगमेंट्स जो आई शेडोज के हैं वो अच्छे से स्टे करें, तो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ कंसीलर. हेयर आई एम यूजिंग अ मेबिलीन एज रिवाइंड कंसीलर. ये काफी इफेक्टिव कंसीलर है, मुझे काफी अच्छा लगता है. सो आई एम गोना यूज दिस. Also, little on my face. I'm going to use a makeup sponge to spread it out. Makeup sponge को आप थोड़ा सा, you know, गीला करके and then उसको थोड़ा सा सो मतलब स्क्वीज आउट कर लो जितना पानी है, तो इट्स गोना स्प्रेड आउट वेरी इजीली. दैट्स हाउ इट इज. आई एम गोना डू द रेस्ट ऑफ माय फेस. निक मेकअप का लकी चार्म पैलेट बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही क्यूट सा पैलेट था. इट हैज ऑल द क्रीम शेड्स एंड एक थोड़ा सा कॉपर टाइप का शेड भी है. इट हैज ग्लिटर आल्सो, इट हैज मैट आल्सो. सो एब्सोल्युटली लव द वैरायटी ऑफ शेड्स इट हैज. लाइक इट हैज ब्राउन आल्सो ताकि मैं बेस अपना दे सकूं. सो आई लव द पैलेट एंड आल्सो इट इज क्वाइट अफोर्डेबल. लेट्स ट्राई इट एंड सी एग्जैक्टली इजी कैसा है. मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ. सो आई एम गोना यूज ब्राउन शेड, वो सबसे पहले मैं एज अ बेस लगाऊंगी, उसके ऊपर मैं आई एम गोना डू द ग्रीन पार्ट. सो लेट्स ट्राई इट. द पिगमेंट्स आर ग्रेट.
फॉल भी नहीं कर रहा है. द कलर हैज कम आउट रियली नाइस एज यू कैन सी. एकदम तुरंत एक बार में ही द कलर पे आउट इज रियली गुड. सो मैंने इस आई शेडो पैलेट का ग्रीन कलर ट्राई किया एंड ओ माय गॉड, इट वाज अ ब्यूटीफुल कलर. बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, तो इस वजह से मेरे को साइलेंट करना पड़ा ये वीडियो. बट या दिस आई शेडो पैलेट हैज़ रियली नाइस पिगमेंट्स. द ग्रीन कलर वॉज पॉपिंग आउट, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. Another new product which I wanted to give a try is this teal pop shade है. ये भी revolution, makeup revolution का है और बहुत प्यारा सा आई शेडो है with that glitter, a little bit of metallic finish to it. So ये भी मैं try करना चाहती हूँ. It has creamy base. So मेरे साथ क्या है, because I have hooded eyes तो मैं avoid करती हूँ थोड़ा creamy texture लगाना. मैं ज़्यादातर you know powder form में जाती हूँ, but मैं I really wanted to give it a try कि क्या पता है मेरे पे अच्छा लगे. So let's see how it is. Okay, I'm gonna put it on the center of my eyelid. Nice, looks very beautiful. मेरे मार्टिन मेकअप के लिए I think this is perfect buy. अगर पार्टी में जाना हो, इवनिंग आउट है, सो दिस इज गोना लुक रियली गुड. जस्ट स्प्रेड इट आउट अ बिट. इट स्प्रेड्स रियली गुड. डज नॉट फील केकी आल्सो. वैसे तो ये क्रीमी फॉर्म में है, बट लगाने के बाद इट डज नॉट फील दैट क्रीमी एंड यू नो आई शेडो की तरह पूरा स्प्रेड आउट हो गया. नाइस शीयर, वेरी मिनिमल शीयर काइंड ऑफ अ फिनिश. मेटालिक, एक्सट्रीम मेटालिक नहीं है, बहुत लाउड नहीं है, बहुत ही मर्जिंग सा कलर है. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है एक और बहुत ही सुंदर सा, इसकी पैकेजिंग पे तो मैं फिदाई होगी. दिस इज मास्टर क्रोम मेटालिक हाइलाइटर. इट हैज फोर शेड्स. बहुत ही ब्यूटीफुल सा एंड बहुत ही स्टनिंग से कलर्स हैं. ऑलरेडी ट्राइड इट ऑन माय हैंड्स एंड बहुत ही प्यारा सा शीयर फिनिश दे रहा है. सो हाइलाइटर इज समथिंग विच आई थिंक इज अ मस्ट हैव. अगर मैं व्हाइट वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ, मुझे ये पर्टिकुलर पैलेट काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसमें चार शेड्स हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. इसको बस थोड़ा सा मैंने आईब्रोज के जस्ट नीचे लगाया. इससे क्या होता है, आपकी आईज थोड़ी पॉप आउट लगती हैं, थोड़ी बड़ी दिखने लगती हैं. देन यू कैन यूज़ एनी ऑफ योर आई लाइनर. मैं काफ़ी सालों से कोलोसल आई लाइनर यूज़ करती हूँ. बहुत बेसिक, कोई भी बिगनर्स हैं वो भी बहुत ईजिली इसको मैनेवर कर सकते हैं. मैं बहुत ज़्यादा आई लाइनर हैवी नहीं लगाती हूँ क्योंकि उससे मेरी आईज और छोटी हो जाएंगी. इसलिए आई प्रिफर यूजिंग अ वेरी थिन आई लाइनर एंड थोड़ा सा मैं अंदर इनर कॉर्नर की तरफ लगाती हूँ एंड द मेकअप पॉप्स आउट मोर वेन एवर आई अप्लाई आई लाइनर ऑन द इनर कॉर्नर. लास्टली यूज अ ब्राइट कलर लिपस्टिक. इट्स सांग्रिया फ्रॉम लैकमे. अगर आप चाहोगे तो आप न्यूड शेड भी ट्राई कर सकते हो इन केस यू थिंक कि आपका आई मेकअप बहुत ज्यादा लाउड हो रहा है. तो So that's how I created the martini makeup look. So I hope you like the video. अगर आपको पसंद आया और आप चाहते हो मैं और भी इस तरीके की videos बनाऊँ तो please subscribe कर लेना channel and do comment down what you think about it. Bye.